दोस्तों हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी को लेकर किच्चा सुदीप के बयान पर अजय देवगन ने पलटवार किया, जिस पर किच्चा सुदीप का बयान आया है। दोस्तों किच्चा सुदीप ने अजय देवगन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सिलसिलेवार ढंग से 3 ट्वीट्स किए, जिसमें एक्टर सुदीप ने बताया कि मेरे बयान को पूरी तरह से गलत ढंग से लिया गया है। किच्चा सुदीप ने कहा कि वो देश के हर भाषा से प्यार करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। किच्चा सुदीप ने अजय देवगन को ट्वीट कर कहा, हेलो अजय देवगन सर, जो बात मैंने कही वो क्यों कही, उसका संदर्भ पूरी तरह से अलग है। मुझे लगता है कि आपके पास जो बात पहुंची है वो पूरी तरह से अलग है। शायद आपसे जब व्यक्तिगत रूप से मिलूं तो बताऊं कि मैंने ये बयान क्यों दिया। ये दुख देने या उकसाने या किसी बहस को शुरू करने के लिए नहीं था। दोस्तों अपने अगले ट्वीट में किच्चा सुदीप ने कहा कि मैं चाहूँगा कि ये मुद्दा यहीं ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैंने जो बात कही उसका संदर्भ पूरी तरह से अलग था। आपको बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं, आपसे जल्द मिलने की उम्मीद करता हूं। आगे किच्चा सुदीप ने अजय देवगन को जवाब देते हुए कहा कि आपने जो बात मुझे हिंदी में लिखकर भेजी है उसे मैं समझ सकता हूं। हम सभी हिंदी भाषा का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं और सीखते हैं। दोस्तों इसके बाद किच्चा सुदीप ने आगे कहा कि बुरा मत मानिएगा सर, लेकिन सोच रहा हूँ अगर मेरा जवाब कन्नड़ में लिखा गया होता तो स्थिति क्या होती। हम भारत के नहीं हैं। दोस्तों KGF 2 के हिंदी वर्जन के शानदार कारोबार को लेकर पूछे गए सवाल पर सुदीप ने कहा था कि अब हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं रही, और यहीं से ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हुआ। दोस्तों फिलहाल इस बाबत आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही ऐसे तमाम नई सटीक और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।